तो जैसा कि आपको पता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में 1 अप्रैल को इसका बैटल पास आया था, जिसमें हमें एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर देखने मिला था और साथ में हमें कुछ गन स्किन्स भी देखने मिली थी। सो इसी कैरेक्टर को लेकर के हम आज एक क्लासिक गेम प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपको बता दूं, इससे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का अपडेट भी आ चुका है, जिसमें काफ़ी नई चीज़ें ऐड हुई है। सो उनको भी हम एक्सपीरियंस करेंगे और इसके साथ हम मैच स्टार्ट करेंगे और आगे आप इंजॉयमेंट करते रहिएगा, बिकॉज ग्राफिक बहुत अच्छे हैं गेम के। और हमने इसमें किया है ग्राफिक मीडियम प्लस मैक्स, तो यहाँ पे मीडियम प्लस मैक्स ग्राफिक करने के बाद 60 FPS प्योर हमें मिल रहे थे और पूरे गेम में मुझे कहीं पर भी लैग देखने नहीं मिला। और ये बहुत अच्छी बात है इस गेम की कि आप किसी भी फ़ोन में इस गेम को रन कराते हो तो वो बिल्कुल लैग नहीं करेगा, तो ये गेम बहुत अच्छा है। और साथ में मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई भी ग्लिचेस वगैरह नहीं है और अपडेट के बाद तो बहुत सारी चीज़ें इसमें फिक्स करी गई है। सो इतने दिनों से मेरे चैनल पर कॉल ऑफ ड्यूटी से लेकर के एक भी कॉन्टेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह पबजी मोबाइल के गेम प्लेस आ रहे थे, तो मैं इसी वजह से कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए गेम प्लेस नहीं ला सका। सो अब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी के गेम प्लेस भी लाऊंगा और साथ में पबजी मोबाइल को लेकर भी चलूँगा। यहाँ पर मैं लैंड करता हूँ लॉन्च पेज पर और जहाँ पे मेरे को उतरने के बाद एक बंदा दिखता है, और एक बंदा ये होता ही है, साथ में मेरे उतरने के बाद कुछ ही सेकेंड बाद बहुत सारे बंदे भी यहाँ पर लैंड करते हैं, तो कैसे इन्हें फिनिश करते हैं एक एक करके वो आप इस गेम प्ले में देखते रहिए गाइस। Enemy contact. Reloading. सो यहाँ पर मैं नो किल करके निकल जाता हूँ लॉन्च पैस पूरा क्लियर करके, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस साइड पे और जहाँ पे मुझे दिखता है ड्रॉप। सो मैं जाता हूँ ड्रॉप के पास और ड्रॉप के पास यहाँ पर क्या सीन होता है उसको भी देखेंगे।
तो यहाँ पर मेरे को दिखती है एक बाइक और जहाँ पे दो बंदे होते हैं और इन दोनों में से एक बंदे को मैं इजी नॉक कर देता हूँ। साथ में दूसरा बंदा मेरे को थोड़ी दिक्कत देता है बट उसे भी मैं फिनिश नॉक कर देता हूँ और फिर फिनिश भी कर देता हूँ। और ये दो बंदे यहाँ पे थे जिनको मैं इजीली निपटा देता हूँ। और फिर मेरे को एक हेलीकॉप्टर दिखता है जिसे कि मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ बट वो जो हेलीकॉप्टर था बहुत ही क्विकली वहाँ से भाग गया। सो अब मैं जाऊँगा वहाँ पर उड़ करके और कैसे वो देखिए गाइस। Reloading. तो यहाँ पर मैं काफ़ी पैनिक हो जाता हूँ बिकॉज यहाँ पे एक पीछे की तरफ बंदा होता है जो कि हाइट सा हो जाता है, मेरे को बंदा दिखता नहीं है। सो जैसे ही एंड टाइम में दिखता है मैं उसे डैमेज देता हूँ और साथ में एक बंदा यहाँ पे और होता है और उसका टीममेट होता है और ये बच जाता है लेकिन इसमें ये मर जाता है। सो ये वाला जो रिक्वेल था परफेक्ट था मेरे लिए। सो यहाँ पर ये दो बंदे थे, इन्हें भी मैं ईजिली निपटा देता हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि घर पे बचे होंगे लेकिन यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज होते हैं बट कोई नहीं, इन्हें एक ही स्प्रे में मैं इन ज़ॉम्बीज को भी इजीली निपटा देता हूँ। और जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मेरे को एक डियर बंदा दिखता है जो कि ज़िगज़ैग करता है और उसमें उसे शॉट देता हूँ और वो मिस हो जाते हैं। तभी पीछे की तरफ से साउंड आता है और पीछे एक बंदा होता है जिससे कि मैं किल कर देता हूँ। और अब मेरा जो ध्यान होता है वो आगे वाले बंदे पर होता है और उतने में मैं पीछे वाले को मारता हूँ जब तक वो भाग चुका होता है वहाँ से पीछे की तरफ। और जब वो वापस से आगे आता है तो उसे हम कैसे निपटाते हैं वो सीन अभी देखिए। तो इसके टीममेट को मैं नॉक कर देता हूँ और इसका जो दूसरा बंदा होता है वो वहाँ से भाग जाता है और जिसे कि मैं डैमेज देता हूँ। बट फिर मेरे को घर की तरफ से जहाँ से मैं आया था वहाँ से मेरे को गन्स की साउंड आती है और मैं वहाँ पे अपनी स्नाइपर से एम कर देता हूँ। तो बंदा मेरे को स्पॉट होता है और जो कि बहुत ही हल्का सा दिख रहा होता है और मैं उसे छोड़ देने की कोशिश करता हूँ। एक मेरा बॉडी शॉट उससे कनेक्ट होता है और एक और होने में था बट उतने में वो निकल गया उस जगह से। सो मैं भी उस जगह से निकल गया और यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिख रहा था उसको भी मैंने फिनिश कर दिया। एंड अब मैं जा रहा था जोन के अंदर और उतने में मुझे इस घर से नीचे की तरफ एक बंदा दिखा था रियल एंड उसे भी मैं फिनिश कर देता हूँ। सो अब बचे थे 17 अलाइव और यहाँ पर मैं उड़ के जा रहा था जोन के सेंटर में कि एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखे और मैं उसे किल करूँ, यहाँ पे किल गेन करूँ। तो अब क्या होता है आगे देखिए। यहाँ पर मुझे एक गाड़ी दिखती है
यहाँ पर उतरने के बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉप चेक करता हूँ जो कि लूटेड होता है और इस पर कुछ भी नहीं होता, एक लेवल 2 का वेस्ट होता है जो कि डैमेज होता है पूरी तरीके से। मैं ये वाली व्हीकल लेकर के यहाँ से निकल लेता हूँ जोन के अंदर और फिर क्या होता है मेरे साथ वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं अपडेट करके निकलता होता हूँ, उतने में पता नहीं ये क्या चीज़ आती है, मेरे को उसका नाम नहीं पता क्योंकि मैं ज़्यादा गेम नहीं खेलता ये वाला। ये जो चीज़ थी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है और कैमरा बिल्कुल घुमा देती है और उतने में मेरे को यहाँ पे करके ऐसा पता दिखता है और पैनिक होने की वजह से मैं उसे किल नहीं कर पाता और वो मुझे किल कर लेता है। इसी वजह से मैं इस गेम में मर जाता हूँ, गेम ओवर हो चुका होता है। इस गेम में मैंने विनर तो नहीं लिया, विन तो मैंने इस गेम को नहीं किया, बट काफ़ी सारे क्लचेस थे और अपडेट के बाद ये मेरा फर्स्ट मैच था इसलिए मैंने ये मैच को अपलोड किया और यहाँ पर मैंने 16 भी किल कर दिए थे जो कि बहुत ही अच्छी बात थी मेरे लिए। अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो आपको इस वीडियो पर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और लास्ट में मुझे आपसे ये बात करनी थी कि PUBG मोबाइल लाइट में अगर आप चाहते हो मैं PUBG मोबाइल लाइट के कॉन्टेंट्स डालूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइए, बिकॉज मैंने उस गेम को डाउनलोड किया, उसमें मैंने अपनी ID बनाई और मैंने उस गेम को खेला, मुझे वो गेम थोड़ा बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो गेम में खेल रहा था HD+ एक्सट्रीम पे और जो कि PUBG मोबाइल में ये इम्पॉसिबल है, बट PUBG मोबाइल लाइट में बहुत अच्छे से ग्राफिक आते हैं। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम कह लोगे तो आपको ग्राफिक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, अच्छे ग्राफिक नहीं दिखेंगे, बट HD+ एक्सट्रीम के अगर आपको गेम प्ले चाहिए आप मेरे को कमेंट में बताइए। मैं उस गेम के भी गेम प्लेस अपलोड करूँगा, आप एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा।